बता दें आपको चलेंगे, भारत के मुसलमान नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ डट गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के इसके फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। इंतहा पसंद भारत ने अपनी रिवायात बरकरार रखते हुए बाबरी मस्जिद के फैसले में भी नाइंसाफी और मजहबी तनाजे की झलक दी। बाबरी मस्जिद के फैसले को भारत के तमाम मुसलमानों ने रद्द किया। भारत के बहादुर मुसलमान नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ डट गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बाबरी मस्जिद केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नजरसानी की दरख्वास्त रवा साल दिसंबर में दायर करेगा। बाबरी मस्जिद केस में मुसलमानों के वकील राजीव धवन ने कहा है कि मुसलमानों ने नहीं, भारत में हिंदुओं ने मुल्क के अमन को तबाह किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाइंसाफी पर मबनी है। जब तक फैसला वापस नहीं होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने अहद के आखिरी अयाम में गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी बाबरी मस्जिद केस का हतमी फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया था कि तारीखी शवाहिद के मुताबिक अयोध्या राम की जन्मभूमि है, लिहाजा बाबरी मस्जिद के मुतबादल किसी और जगह जमीन दे दी जाएगी।